हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल कॉम स्कॉलर। आज हम इस लेक्चर वीडियो में एक अनदर जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। देखिए, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट वही सिमिलर है जो ऑब्जेक्टिव हमने एनोवा में देखा था। एनोवा दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरियंस। देखिए, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट हमें कब देखना है, अगर डेटा आपका जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारी जो है बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट मीन्स हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक तो डेटा क्या, हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, यानी कि मोर देन हमारे पास टू हैं, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, उनमें मीन का वेरियंस देखना चाह रहे हैं, क्या उनमें मीन का जो वेरियंस है वो जो मीन में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्या देखना है। देखो, पहले आपके पास मीन डिफरेंस देखना है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद देखना है क्या आपके पास वेरिएबल्स दो से ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। इसमें भी आपका जो है ये आपका रैंक के हिसाब से दिखाता है, तो इसको बोलते हैं क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। एनोवा में देखा था हमने, एनालिसिस ऑफ वेरियंस देखा था हमने, इसमें हमने भी देखी दो से ज़्यादा वेरियंस दिख दिया। अच्छा, देखना जो भी आप इसमें जो है, मान लीजिए जैसे आप जो वेरिएबल ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने वेरिएबल कुछ भी ले लिया, जैसे आपने रीजन के हिसाब से ले लिया, जैसे सिटी के हिसाब से ले लिया, ठीक है, जैसे सिटी का ले लिया आपने, पंजाब का ले लिया, दिल्ली का ले लिया, महाराष्ट्र का ले लिया, अलग अलग लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो इनमें मेन डिफरेंस है या नहीं है, तो तीन डिफरेंस हो गया। तो आप जो भी जैसे अपने तीन जो ही आपके जो कहते हैं कैटेगरी जो डेटा लिया आपने, जैसे दिल्ली, पंजाब एंड महाराष्ट्र, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं होना चाहिए। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब है दोनों की एक ग्रुप सिर्फ एक ही ग्रुप उसी ग्रुप को जो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन जो उसी ग्रुप को जो बिलोंग कर रहा है और किसी में वो बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे देखिए, हमने इंडिपेंडेंट टेस्ट में हमने क्या कहते हैं कैटेगरी, हमने डेटा लिया था मेल एंड फीमेल, तो देखिए जो पर्सन मेल है वो तो मेल है और जो फीमेल है वो फीमेल है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि एक एक पर्सन जो दूसरे ग्रुप में बिलोंग करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा का मीन का डिफरेंस हम जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो कहते हैं कैटेगरी डेटा है वहाँ पास कितने हैं, दो से ज़्यादा। और अगर वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो हम देख जाएंगे क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट की तरफ। आइए इसको हम केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, उन्होंने कंपनी जो है सेल्स की का डेटा जानना चाह रही है, क्या सेल्स में इंक्रीज हो रहा है प्रमोशन के साथ या नहीं हो रहा। तो कंपनी ने क्या करा, जैसे जो है पहले प्रमोशन नहीं करा, 10 लोग हैं, मान लीजिए 10 लोगों का प्रमोशन नहीं करा तो उसकी सेल्स ही आ रही है। उसके बाद फिर उन लोगों का जो है प्रमोशन किया, मीन्स जो लो प्रमोशन है, जो अदर जो लो प्रमोशन है उनकी सेल्स देखा। फिर जो मीडियन जो प्रमोशन जो अदर लोग हैं, ठीक है, जो 10 लोग हैं उनका मीडियन प्रमोशन किया तो फिर उनकी सेल्स ही आ रही है। फिर हाई प्रमोशन उनकी सेल्स आ रही है। तो मतलब क्या हो रहा है, वो देखना चाह रही है, कंपनी देखना चाह रही है क्या अगर हम प्रमोशन नहीं करते जिन लोगों का तो उनका सेल्स क्या है। फिर जिनका हमने लो प्रमोशन किया हुआ क्या उनका सेल्स क्या है, जिनका हमारा हमने मीडियम प्रमोशन किया उनका सेल्स क्या है, और अगर हाई प्रमोशन करते हैं तो उनका सेल्स क्या आ रहा है। तो क्या इनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, मीन्स कंपनी जानना चाह रही है क्या प्रमोशन करना सही है या नहीं। मान लीजिए कंपनी इन्होंने इनका अब तक प्रमोशन किया नहीं है, ठीक है, तो कंपनी डिसाइड करना चाह रही है क्या इनका हम लो प्रमोशन करें, मीडियम प्रमोशन करें या हाई प्रमोशन करें, ठीक है। तो पहले कंपनी देखें क्या इनमें जो सेल्स में जो डिफरेंस है वो तो आएगा ही, लेकिन क्या जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं वो देखना चाह रही है कंपनी, राइट। तो पहले हम क्या देखेंगे इसमें, हम कि डेटा देखेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक जाना है कि पैरामेट्रिक। सो गो टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लोर, ये आपका फैक्टर लिस्ट हो गया, डिपेंडेंट लिस्ट हो गया। प्लॉट्स में हम नॉर्मलिटी एंड होमोजेनिटी दोनों चेक कर लेते हैं। तो देखिए नो प्रमोशन में देखिए यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, 19,356, इसमें आ रहा है 37,000, सॉरी दिस वन रिड्यूस हो गया, वेरिएशन थोड़ा कम हो गया। इसमें आपका देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 10,000, ये भी कम हो गया। इसमें ओनली 5,000, और भी कम हो गया। तो यानी कि डेटा तो आपका देखिए धीरे धीरे जब वो वेरिएशन जो है कम हो रहा है। मीन देखिए यहाँ पर 81,000, 86,300, 81,300, 1,00,000,
1200, तो सेल्स कहीं पर बढ़ रही कहीं पर नहीं बढ़ रही, तो डिफरेंस तो है लेकिन क्या डिफरेंस सिग्निफिकेंट है नहीं, वो कंपनी दिखा जा रही है। अब देखते हैं क्या डेटा हमारा नॉर्मलिटी है या नहीं है, या फिर होमोजिटी या नहीं है। तो देखिए ये तो आपका देखिए सारे के सारे जो इनसिग्निफिकेंट है नहीं, डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट अगर होमोजिटी देखें तो ये आपका सिग्निफिकेंट आ रहा है, दैट इज लेस देन 5%। सो इसका मतलब डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो देखिए कंडीशन दोनों फुलफिल होना चाहिए, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई इसका मतलब हमें जो है नॉन पैरामीटर टेस्ट अप्लाई करना होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नॉन पैरामीटर टेस्ट, नॉन पैरामीटर टेस्ट लेगेसी डायलॉग्स, और फिर हम देखेंगे के इंडिपेंडेंट टेस्ट प्रमोशंस, सॉरी प्रमोशन की रेंज देते हैं हमारी है 1 to 4। सेल्स आपका टेस्ट वेरिएबल हो गया, एग्जैक्ट में आपको कुछ नहीं करना। ऑप्शंस में हम डिस्क्रिप्टिव भी ले लेते हैं, क्वार्टाइल्स भी देख लेते हैं, कंटिन्यू एंड ओके। तो अब देखते हैं इसका डिस्क्रिप्टिव स्टडी, देखिए क्या कह रहा है। 40-40 है, ये मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मीडियम, एक क्वार्टर रेंज दी आपको Q1 एंड Q3, और ये मीडियम आपको दिया हुआ है, तो उसका आप इंटरप्रिटेशन कर देना इसका। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, हमने जैसे प्रीवियस डेटा में देखा था कि डेटा क्या करता है, वो ये रैंक में कन्वर्ट करके उसके बाद उसका जो है मीन डिफरेंस निकालता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली रैंक कर देता है। तो देखिए लो प्रमोशन के साथ रैंक, मीन रैंक कितना आ रहा है 16.35, लो प्रमोशन के साथ 19.65, मीडियम के साथ 14.65, हाई प्रमोशन के साथ 13.35। तो देखिए मीन में डिफरेंस तो आ रहा है लेकिन क्या डिफरेंस सिग्निफिकेंट है ही नहीं वो देखना हमें। तो देखिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर काई स्क्वायर है, सॉरी ये देखना आपको ये वाली वैल्यू, तो ये क्या आपकी सिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स लेस देन 5%। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नल हाइपोथेसिस को वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि ये यहाँ पर जो है डिफरेंस आपका जो है सिग्निफिकेंट है, यानी कि ओवरऑल जो कह रहा है कि प्रमोशन का जो है सेल में इम्पैक्ट है, ठीक है इम्पैक्ट है, लेकिन ये जो रिजल्ट है आपको वो मिक्सअप दिया हुआ है, यानी कि कंपनी को तो ये पता करना है कि अगर अभी एट प्रेजेंट हमने जो 10 लोग हैं इनका हमने प्रमोशन नहीं करा, ठीक है, तो क्या हम इनका लो प्रमोशन करें, मिडियम प्रमोशन करें या हाई प्रमोशन करें जिससे हमारे सेल्स जो है वो मैक्सिमाइज हो। तो ये ओवरऑल बता रहा है सिर्फ और सिर्फ कि ये हाँ आप जो है प्रमोशन कर सकते हो, उससे सेल्स आपकी इम्प्रूव होगी, लेकिन कौन सी प्रमोशन ज्यादा की तो हमें पता नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो हमारा ओवरऑल बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है मैन वाइटिंग टेस्ट लगाना पड़ेगा, जैसे हमने जो हमने पीछे 2 लेक्चर में देखा था। तो क्या करना है आपको, एनालाइज में जाइए, नॉन पैरामेट्रिक लेगेसी डायलॉग, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, प्रमोशन में जाइए, डिफाइन कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पर हम पहले हम कौन सा ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पहले हम देखिए नो प्रमोशन के साथ लो प्रमोशन, यानी कि 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को देखेंगे पहले हम, एंड सेल्स को टेस्ट करने जा रहे हैं हम। ऑप्शन में हम डिस्क्रिप्टिव क्वार्टाइल्स मैनुवेटिंग डिफॉल्ट यहाँ पर है, ओके। तो देखिए इसको तो आप इजीली आप समझ सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पर इसका मैन वैटनी में टेस्ट, देखिए रैंक लो प्रमोशन और लो नो प्रमोशन एंड लो प्रमोशन साथ। तो देखिए रैंक में देखिए डिफरेंस आ रहा है, मेन रैंक में डिफरेंस आ रहा है लेकिन सिग्निफिकेंट है नहीं वो देखना हमें। तो यहाँ पर देखना देखिए ये आपका देखिए कितना आ रहा है, पी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, दैट इज 0.404, ये वाली दिखनी आपको, देखो 0.404, ठीक है 0.404, इसका मतलब क्या भैया 5% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या 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 होगा, हमारा नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये आपका इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि डिफरेंस आपका वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि हम जो है क्या कहते हैं लो प्रमोशन हम नहीं कर सकते, लो प्रमोशन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो देखिए ये डेटा आपका क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, दैट मींस हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप इसके इंटरप्रिटेशन दे सकते हो कि कंपनी जो है लो प्रमोशन के साथ तो का डेटा जो आपका वो इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट, सेल्स का इंपैक्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। अब हम इसका डेटा हम मान लीजिए एनालाइज नॉन पैरामेट्रिक
टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। अब मान लीजिए इसको हम थ्री के साथ देखते हैं, यानी कि थ्री क्या आपका दैट इज मीडियन प्रमोशन। क्या मीडियन प्रमोशन आ रहा है? देखिए मेन रैंक यहाँ पे कितना ये है, तो देखिए हार्डली बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। और देखिए यहाँ पर अगर आपसे देखिए पी वैल्यू देखिए, देखिए आपका 8.850, ये भी इन सेकंड है, यानी कि मीडियन प्रमोशन के साथ भी इसका जो है सेल्स का इम्पैक्ट इतना जो मीन्स इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम हाई प्रमोशन का देखें तो इसी को हम हाई प्रमोशन से चेक करते हैं। वन एंड फोर का तो देखिए यहाँ पर मेन रैंक में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, और अगर उसका पी वैल्यू देखें कितनी आ रही है, दैट इज 0.34। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर कंपनी जिनका प्रमोशन नहीं करा अब तक, और अगर हम सीधा अगर हम हाई प्रमोशन करें तो इसका सेल्स पे जो है सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि पी वैल्यू कितनी है, लेस देन 5% है। ठीक है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट हमारा इंटरप्रिटेशन कहने के लिए आती है कि पहले तो अगर आप जो अगर आप आपने जो ये इंटरप्रिटेशन करी दैट इज विद दिस क्रूशियल वैलिडिटी टेस्ट, तो ओवरऑल तो आपका सिग्निफिकेंट आ रहा है, बट प्रमोशन जो है वो हाई के साथ ज्यादा ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बाकी सबके साथ क्या आपका इनसिग्निफिकेंट। ऑलराइट, सो दिस इज द वे ऑफ टेस्टिंग दी दैट इज क्रूशियल वैलिडिटी टेस्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू, प्लीज कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।